जय भोले शंकर जी की। सभी को सादर प्रणाम। मैं पंजाब से आपका लखविंदर सिंह। आज दोस्तों इन इंसान का जन्मदिन है। कई हमारे युवा भाई हैं जो इनका जन्मदिन हर जगह मना रहे हैं। सोशल मीडिया देख लीजिए, हर कोई तस्वीर लगा के बड़ा प्यार जता रहा है। चलो आज हम आपको इन इंसान की सच्चाई बताते हैं। इस इंसान के पीछे सच्चाई क्या है आप तो जानते ही हो। आपका भाई लखविंदर सिंह राणा बिना डरे सब कुछ बोलता है। ऐसी सच्चाई है दोस्तों कि जानने के बाद आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी कि कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है। चलते हैं पीछे। पूरा हिंदुस्तान फिल्म पद्मावत का विरोध कर रहा था। विरोध सबसे ज़्यादा कौन कर रहे थे? युवा भाई हमारे, चाहे पंजाब हो, चाहे जम्मू हो, हिमाचल प्रदेश हो, यूपी हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, एनसीआर हो, हर युवा में एक गजब सा करंट था कि राजपूताना की बेइज्जती ना हो, गलत दिखाया जा रहा है फिल्म में। ये जो करंट था युवाओं में दौड़ रहा था, हर प्रांत में जो युवा थे ना, पूरी उनमें आग भरी हुई थी। कई जो हमारे नेता जी हैं, नेता हर जगह नेता पाए जाते हैं, आपको पता ही होगा, नेताओं ने युवाओं का सहारा लिया। 500,000 युवा अपने पीछे लगा लिए और अपने आप को ऐसा बना के दिखाया जैसे किसी सेना के महामंत्री हों। अपना मतलब निकाल लिया उन्होंने। फिल्म का जो हुआ आपको पता है, कई युवाओं के ऊपर केस बन गए, उनके ऊपर धाराएं लगा दी गई, कई युवाओं को जेल में डाल दिया गया, कई युवाओं का दोस्तों आर्मी में सिलेक्शन भी हो चुका था। उनके ऊपर जब धारा लग गई तो उनकी नौकरी जुड़ने से पहले ही नौकरी गई। कई युवाओं ने अपने उन्हीं नेताओं को फोन किया जो कि महामंत्री बन के सेना के तौर पे जो आगे चल रहे थे, उन्होंने फोन नहीं उठाया। युवा बड़े दुखी थे। ये इंसान जिनका बर्थडे है, हम रिस्पेक्ट में कहें ना, हुकुम, इन दादा भाई ने जो युवा जेल में बंद थे ना, बिना किसी चार्ज के हर युवाओं की मदद की, हर युवा को दिल से उनकी मदद की, उनको बाहर निकाला, उनका जो सम्मान था उनका सम्मान बचाया। बिना किसी स्वार्थ के हर राजपूताना समारोह में दादा जाते हैं और जितना हो सके दिल लुटाते हैं। ये होते हैं राजपूत जो अपनी कौम के काम आते हैं। इनका जन्मदिन हम पंजाब से लखविंदर सिंह दिल से दादा आपको प्रणाम करते हैं, क्योंकि आपके जैसे बंदे बहुत कम हैं। मैं आज तक वीडियो उन्हीं का बनाता हूं जिनका मैं फैन होता हूं। आपको दिल से प्रणाम है दादा, दिल से प्रणाम आपको। जो युवा भाई वीडियो देख रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में हैप्पी बर्थडे दादा जरूर लिखिए। जय भोले शंकर जी।